नमस्कार, मैं मानसी बत्रा चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी में आपका स्वागत करती हूं। आज भारत में गरीबी और आर्थिक तंगी के चलते बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले वर्ष लगभग 5,650 किसानों ने आत्महत्या की, जो बहुत दुखद है। जहाँ एक और कई किसान खेती में घाटे की वजह से आत्महत्या करने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी ओर राजस्थान में पानी की कमी के बावजूद भी कई किसान खेती करके मुनाफा कमा रहे हैं। आज हम अपने कार्यक्रम में आपको बताएंगे ऐसे ही कुछ किसानों के बारे में जो पॉली हाउस का निर्माण कर खेती को लाभ का व्यवसाय बना चुके हैं। पॉली हाउस और उसकी संरचना। पॉली हाउस में खेती करने के सही तरीके व तकनीक। मोरार्का फाउंडेशन ने किसानों को जैविक खेती के जरिए दिया नया जीवन। ये सबसे करेक्ट सिस्टम है। किसान को प्रोत्साहित करिए, खुद मेहनत करता है, उसका परिवार है, उसके बाद अब खेत जमीन तो कम होती जा रही है, क्योंकि एक एक पीढ़ी बढ़ते जाएगी ज़मीन, उसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जितना हो सके उसको संजोइए, उसकी उत्पादक शक्ति बढ़ाइए, ज़मीन कम भी हो तो उत्पादन ज़्यादा मिले, उसके लिए जो जो तकनीक चाहिए वो दीजिए, और अगर अच्छा उनका प्रोडक्ट होगा तो बेचने की मदद करिए, क्योंकि किसान कहाँ जाएगा, एक अकेला किसान तो नहीं जा सकता, उसको आप करिए। दोस्तों, आजकल पॉली हाउस में खेती का प्रचलन बहुत बड़ा है, जिसमें सब्जियों, फल फूल सभी तरह की खेती की जाती है। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि पॉली हाउस होता क्या है। पॉली हाउस भारतीय कृषि के बदलते व्यावसायिक स्वरूप का परिचायक है। पॉली हाउस या ग्रीन हाउस संरचनाओं में फसल उत्पादन के लिए किसानों को मौसम और वातावरण पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में उचित वातावरण को फसल की आवश्यकता के अनुरूप नियंत्रित किया जाता है। पॉली हाउस स्टील, लकड़ी, बांस या एल्यूमिनियम के फ्रेम पर बनी ऐसी संरचना है जो ट्रांसपेरेंट कवर से ढकी होती है, ताकि इसमें सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर सके। पॉली हाउस बिना मौसम की सब्जियां, फल फूल आदि उगाने का एक सरल और सुरक्षित साधन है। चाहे मौसम कोई भी हो, पॉली हाउस के अंदर फसलों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाता है, और यही पॉली हाउस की मुख्य विशेषता है। अभी हमने आपको बताया पॉली हाउस के बारे में, अब हम आपको बताएंगे पॉली हाउस में खेती करने के सही तरीके व तकनीक के बारे में, जिसके जरिए किसान अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। प्रदेश में बहुत से ऐसे किसान हैं जो अधिक लाभ लेने के उद्देश्य से परंपरागत फसलों को छोड़कर आधुनिक खेती के जरिए पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पॉली हाउस में सब्जियों की खेती कर रहे किसानों को सब्जियों से अधिक गुणवत्ता युक्त उत्पादन कैसे मिले, उसके लिए किस प्रकार से पॉली हाउस में वातावरण अनुकूल बनाया जाए, कीटनाशक दवाइयों से बचाव कैसे किया जाए ताकि किसान सही तकनीकों को अमल में लाकर अच्छा लाभ कमा सकें, इन सब की जानकारी के लिए हमने बात की पॉली हाउस में सब्जियों की खेती कर रहे राजस्थान के नवलगढ़ तहसील के खिरोड़ गांव निवासी किसान अभिषेक शर्मा से। बेसिकली पहले हम पूरा फील्ड तैयार करते हैं, इसमें हम पहले पूरी खाद करीबन 25-30 ट्रॉली खाद डालते हैं, जिससे कि सॉइल में मतलब पूरा न्यूट्रिशन रहे। उसके बाद उसको ट्रेलिंग करते हैं जिससे कि वो पूरी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद हम एक या दो दिन बाद इसमें बेड्स, जो हमारा बेड मेकर है बेसिकली, उसको यूज़ करते हुए इसमें बेड्स बनाते हैं, और बेड्स जो हैं बेसिकली मतलब एक स्पेसिफिक विड्थ के होते हैं, वो विड्थ रहनी चाहिए जिससे कि प्लांट को एयर मिलती रहे, और जब तोड़ाई करें उसके लिए स्पेस रहे जिससे कि यू नो आदमी जाके चल के आराम से तोड़ाई कर पाए। बेड्स बनने के बाद इस पर हम ड्रिप लगाते हैं, एक या दो दिन तक इसमें थोड़ा पानी चलाते हैं जिससे कि बेड्स के अंदर मॉइस्चर है। उसके ऊपर हम फिर मल्च शीट डाल देते हैं, और या तो हम डायरेक्ट सोइंग कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन द मौसम, या फिर हम इसमें पौध लगाते हैं।
पौध हम खुद ही हमारे यहाँ इंटरनली प्रिपेयर करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात रही प्रोड्यूस होने के बाद, मतलब अराउंड एक महीना 40 दिन लगते हैं इसको प्रोड्यूस होने में। उस टाइम तक इन बेलों को बांधने का काम होता है, बेलों को चढ़ाने का काम होता है, ये सब साइमल्टेनियसली चलता रहता है। उसके बाद जब तुड़ाई शुरू होती है तो एवरी डे करीबन शाम को हम तुड़ाई शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पिकअप आता है, पिकअप में हम लोड करते हैं और जो भी पास का मार्केट है वहाँ, जैसे अभी हम सीकर सप्लाई कर रहे हैं तो हम सीकर में सप्लाई कर रहे होते हैं, कभी हम जयपुर में सप्लाई कर रहे होते हैं। एंड बेसिकली इसमें आप कोई भी फसल ले सकते हो बेमौसम की। अभी हमने कोकुम्बर ट्राई किया है, अभी पिछली बार हमने धनिया ट्राई किया था इसके साइज में, वो भी आराम से उग रहा था। अभी हम कैबेज ट्राई कर रहे हैं, रेड कैबेज। टू बी प्रिसाइज में जितना एग्जॉटिक आप लोगे उतना आपको फ़ायदा है। ये कोकुम्बर भी काफ़ी एग्जॉटिक कैटेगरी में आता है और कोई भी चीज़ आप इसमें, मतलब हाई प्राइस चीज़ें ले सकते हो बिना मौसम की। अदरवाइज़ जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें चिलीज़ ले सकते हो आप, कोकुम्बर ले सकते हो, कैप्सिकम ले सकते हो, टमेटोज़ ले सकते हो, ये सब चीज़ें आराम से ली जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। परंपरागत खेती और हाईटेक खेती में क्या अंतर है? परंपरागत खेती के अंदर आपको बहुत सारा, मतलब जो प्रोड्यूस आना है वैसा नहीं आ सकता। उसमें आपका लेबर कॉस्ट निकालना भी आजकल एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, टू बी प्रिसाइज। इससे क्या है, आप एक 4000 स्क्वायर मीटर में करीबन 40 बीघा तक की प्रोड्यूस ले सकते हो। पहला डिफरेंस ये आता है। दूसरा डिफरेंस ये आता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड, आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी बेलें लगी हैं कितने आराम से उनको हमने चढ़ा रखा है। हम आया टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं, बारिश आने से हमें प्रॉब्लम नहीं होती, ओले गिरने से हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। हर साल यहाँ बारिश का थोड़ा अनसर्टेनिटी रहती है, ओले गिरते हैं, उससे बहुतों की फसल डैमेज होती है, तो उससे हम सब कुछ बचते हैं। हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी फसल कंट्रोल कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है इसमें। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, मैं बेमौसम की फसल ले सकता हूँ। सर्दियों में आप गर्मियों की फसल ले सकते हो, गर्मियों में आप सर्दियों की फसल ले सकते हो। सो वो फार्मर के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि उसको काफ़ी सही प्रोड्यूस मिलता है और उसकी अकॉर्डिंगली प्राइस मिलती है। सो ये ट्रेडिशनल और टू बी प्रिसाइज हाईटेक एग्रीकल्चर या पॉलीहाउस टेक्निक्स का ये फ़र्क रह जाता है सबसे बड़ा। अभिषेक ने अमेरिका के थंडर बर्ड स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट से MBA करने के बावजूद खेती को बतौर करियर चुना और पॉलीहाउस में सब्जी उत्पादन में सफलता हासिल की और आज वो एक संपन्न किसान हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस था US में MBA करने का, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत हाईटेक एग्रीकल्चर कर रहे हैं। अभी तो हम सॉइल में एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहाँ सॉइललेस मीडियम यूज़ कर रहे हैं, आपको किसी सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टू बी प्रिसाइज आप बिना सॉइल के भी पूरी फसल ले सकते हैं। तो वो बहुत हाई स्केल पे कर रहे हैं चीज़ें, हम भी उस लेवल पे पहुंच सकते हैं और पहुंच रहे हैं। काफ़ी स्टेट्स गुजरात और महाराष्ट्र में लोग कर रहे हैं, वो उसमें कोई डाउट नहीं है, एंड दे आर डूइंग इट रियली वेल। सो मेरा भी यही था कि हाँ, मतलब खिरोड मेरा गांव है, वहाँ पे मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरे डैड का ये गाँव है, तो आई वॉन्टेड कि यहाँ पे आके मैं कुछ करूँ जिससे कि सब लोग मोटिवेट हों, मैं भी खुद मोटिवेट हूँ, एंड एग्रीकल्चर जिससे पूरे यूथ का काफ़ी, मतलब इंटरेस्ट जा रहा है। हर रोज़ कम से कम यहाँ पे 10-15 किसान आते हैं जिनको हम पूरा जागरूक करते हैं और उनको हम मोटिवेट करते हैं कि वो कैसे पॉलीहाउस लगा सकते हैं, पहली बात क्या पॉलीहाउस में उगा सकते हैं, और मतलब कैसे वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करें जिससे कि वो भी हेल्दी रहें, वो जो सामान जो प्रोड्यूस बेचें वो भी किसी को, मतलब हेल्दी बनाए, रादर देन फुल केमिकल डाल के जो आजकल कर रहे हैं। मतलब आजकल आधी ज़्यादा सब्जियां तो गटर में पैदा करते हैं लोग। सो वी वांट कि हाँ, ये सब नहीं हो एंड सारे लोग अच्छे से अच्छा चीज़ बनाएं और अच्छे से अच्छा करें। देश में आज भी ज़्यादातर किसान परंपरागत तरीकों से खेती करते हैं जो अक्सर घाटे का सौदा साबित होती हैं। यही वजह है कि देश में किसानों की आत्महत्या की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पर यह कहना भी गलत नहीं है कि हर समस्या का समाधान है, बस चाह होनी चाहिए। चलिए हम आपको मिलाते हैं एक और किसान से और जानते हैं रासायनिक खाद और कीटनाशक के बजाय जैविक खाद और जैविक कीटनाशक से कैसे खेती की जाती है। दो सौ लीटर पानी, 10 किलो गाय का गोबर,
5 लीटर गाय का मूत्र, 1 किलो वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष के तले की मिट्टी, 1 किलो बेसन और 2 किलो गुड़ लें। इसके बाद इन सबको मिलाकर घोल तैयार कर लें। 6 से 7 दिनों के अंदर यह घोल खेतों में डालने के लिए तैयार हो जाता है। आगामी 15 दिन तक इसको काम में ले सकते हैं, चाहे स्प्रिंकलर से स्प्रे कर दो, चाहे मशीन से स्प्रे कर दो, बहुत ही बढ़िया टॉनिक है। जैसे पहले केमिकल का खर्चा होता था, उस खर्चे से बच गए। दिमक जैसी इन बीमारियों से तो सबसे मतलब, मैं तो ये मानता हूँ कि किसान खुद दिमक को बुलाव देता है। बुलाव इसलिए देता है कि कच्चा गोबर फेंकता खेत में या कच्चा कचरा फेंकता है। अब कच्चे खतरे के लिए डालने के लिए तो उधर कंपोस्ट के गड्ढे बना रखे हैं, उनमें जो कृषि का जो फालतू वेस्ट है उसको गला के खाद बना लेते हैं। मोरार्का फाउंडेशन से जुड़े विशेषज्ञों ने किसानों को खेती करने के नए तरीके बताकर उन्हें नया जीवन दिया है। मोरार्का फाउंडेशन आधुनिक तकनीक से किसानों को स्वावलंबी एवं आधुनिक बनाने का कार्य कर रहा है। मोरार्का फाउंडेशन ने जैविक खेती की शुरुआत राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से की। राजस्थान के लोग देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले पानी के कारण काफ़ी परेशान हैं। किसानों को अगर समय पर पानी नहीं मिलेगा तो वो खेती कैसे करेंगे? मोरार्का रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े विशेषज्ञ राजस्थान के किसानों को यह प्रशिक्षण देने में लगे हैं कि कम पानी का प्रयोग करके भी अधिक से अधिक फसलें उगाई जा सकें। वे आधुनिक तकनीक द्वारा पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और जैविक खेती करना सिखा रहे हैं, जिनमें पानी का कम से कम प्रयोग होता है। आज अभिषेक शर्मा जैसे पढ़े लिखे किसान मॉडर्न पॉली हाउस द्वारा खेती करके खुश हैं और वह अपने क्षेत्र के किसानों को भी मोरार्का फाउंडेशन से जुड़कर जैविक और पॉली हाउस द्वारा खेती करने के तरीके सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि आज परंपरागत तरीके से होने वाली खेती से किसानों का जीवन यापन संभव नहीं है। इसलिए देश के हर किसान को समय से पहले आधुनिक तरीके अपनाकर स्वावलंबी एवं आधुनिक बनना चाहिए। आज हम ये कह सकते हैं कि पॉली हाउस या ग्रीन हाउस से जैविक खेती करने वाले किसानों को बहुत सहायता मिल सकती है, पर इस दिशा में अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे मोरार्का फाउंडेशन जैसी संस्थाएं आगे बढ़कर किसानों की मदद कर रही हैं। किसान चाहे तो सरकारी संस्थाओं से भी मदद ले सकते हैं। आज के शो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।